दोस्तों जापान की बुलेट ट्रेन आगे से बहुत लंबी होती है। हालांकि चीन की बुलेट ट्रेन की रफ्तार जापान से काफी ज्यादा है, लेकिन चीन की बुलेट ट्रेन के इंजन भी छोटे होते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया और बेहतरीन बताएगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जापान के अलावा दुनिया के और भी कई कंट्रीज में बुलेट ट्रेन चलती है, लेकिन जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड इटली, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, स्पेन और अमेरिका की ट्रेनों से कम है। दोस्तों जहां जर्मनी में चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा है, वहीं जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 340 किलोमीटर फी घंटा है। जापान की बुलेट ट्रेन इसलिए आगे से लंबी होती है कि जब वो 340 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से किसी टनल से गुजरे तो वाइब्रेट ना करे और टनल को किसी किस्म का नुकसान ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।